उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 3 मई को होने वाले त्योहारों को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को होने वाले ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हर पर्व शांति और सौहार्द के बीच संपन्न होने चाहिए, इसको लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौजूदा समय के हिसाब से पुलिस प्रशासन को अतिरिक्त अलर्ट और संवेदनशील रहना होगा। उन्होंने धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ जैसे आयोजन निर्धारित स्थानों पर कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही धर्म गुरुओं से बातचीत करके सुनिश्चित करने को कहा है कि आयोजनों के दौरान सड़क और ट्रैफिक बाधित नहीं होने चाहिए। इसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 को भी खास निर्देश दिए थे। सीएम योगी ने अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद पर अनावश्यक बिजली कटौती नहीं होने देने की हिदायत दी थी। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में पहले से तय 31,151 स्थानों पर मंगलवार को ईद की नमाज अदा की जाएगी, इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी लखनऊ समेत राज्य के अन्य जिलों में तय जगहों पर ईद की नमाज होगी। 2,846 अति संवेदनशील नमाज स्थलों पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। ईद संपन्न कराने के लिए 46 कंपनी PAC और 7 कंपनी CAPF के अलावा स्थानीय पुलिस के जवान मुस्तैद रहेंगे। यूपी पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी, किसी भी तरह की अफवाह फैलाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।